श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री अरविंद कुमार जी, अपर मुख्य सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री टी वेंकटेश जी, अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री एस पी गोयल जी, सीओ यमुना एक्सप्रेसवे अरुणदीप सिंह जी, निदेशक नागरिक उड्डयन श्री विशाख जी, मंडलायुक्त मेरठ, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीओ समेत सभी उपस्थित अधिकारीगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जेवर एयरपोर्ट का कार्य कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप देश के अंदर आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दृष्टि से विगत चार वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों को एक नई उड़ान होगी। विगत चार वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। ২০১৭ तक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र चार एयरपोर्ट फंक्शनल थे, उनमें भी ईमानदारी से दो एयरपोर्ट में ही वायु सेवा चल पाती थी, जिनमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी, गोरखपुर में एक फ्लाइट वह भी कभी कभी आ पाती थी और यही स्थिति आगरा की थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारे आठ एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं, और जहां 2017 के पहले हम केवल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और आगरा से केवल 25 गंतव्य तक की वायु सेवा प्रदान कर पा रहे थे, आज ये वायु सेवा लगभग तीन गुना बढ़ चुकी है। 71 गंतव्यों तक ये वायु सेवा तेजी के साथ आगे बढ़ी है और आठ एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील हो चुके हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हमारा कार्य लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी हम इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए प्रारंभ कर सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट एक सपना था, न केवल मेरठ कमिश्नरी के नागरिकों के लिए, भी तो उस क्षेत्र का जो सबसे आर्थिक रूप से विपन्न क्षेत्र है वहां के लोगों के लिए भी। मुझे याद है जब हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट के बारे में एक चर्चा प्रारंभ की थी, लोगों में एक सकारात्मक संदेश तो गया था, लेकिन वहां पर उसी तर्ज पर काफी बड़ी मात्रा में वही लोग फिर से सक्रिय हो गए थे जिन लोगों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी के बनते समय मीडिएटर बनकर के विकास के कार्यों को बाधित किया, और उस समय जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने
किसानों से सीधे बातचीत की। मैं अभिनंदन करूंगा जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत आने वाले उन सभी गांवों के किसानों का जिन्होंने हमें लोकल प्रशासन के साथ मिलकर भूमि अधिग्रहण की दिशा सकारात्मक माहौल बनाने में योगदान दिया और राज्य सरकार पर स्थानीय प्रशासन पर विश्वास करते हुए समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भरपूर मदद की। मैं अपने जिला प्रशासन को और लोकल जो हमारा प्रशासन है जिन्होंने बहुत समयबद्ध ढंग से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया। हम सब जानते हैं कि विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी को जूझ रही है, लेकिन उस सबके बावजूद चरणबद्ध ढंग से न केवल भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई और विस्थापन के साथ साथ पुनर्वास की कार्रवाई को व्यवस्थित रूप से संपन्न किया गया है और बिना किसी विवाद के, अन्यथा ये वही क्षेत्र था जहां पे गोलियां चलती थी, न केवल कानून व्यवस्था की भीषण संकट खड़ा होता था बल्कि बड़े बड़े आंदोलन भी होते थे। लेकिन आज कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, इसका उदाहरण जेवर एयरपोर्ट का आज का यह लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट का यह कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सारे कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि बाकी अन्य औपचारिकताएं जो भी हैं, इन कार्यक्रमों को हमें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है जो उत्तर प्रदेश के विकास को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश 2024 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरे, उन संकल्पों को एक नई उड़ान देने का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन जेवर एयरपोर्ट बने, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर यहां पर हमारे जो एक कार्यक्रम है लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट संपन्न हो रहा है, मैं इसके लिए दोनों पक्षों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम समयबद्ध ढंग से इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में आने वाले कुछ ही वर्षों में हम बेहतरीन सेवा देशवासियों को देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति और इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।